सज गया है कप और देखते हैं आज कौन होता है विनर। फर्स्ट और सेकंड कप बहुत ही ज़बरदस्त है, देखते हैं लखनऊ का आज कौन कप उठाता है यहाँ पे इस टूर्नामेंट का। और हमारे सालम भाई बैठे हुए हैं और फाइनल हो रहा है। सालम भाई अभी स्कोर क्या चल रहा है सेवन स्टार और एससी के बीच में? सात काटे हैं सेवन स्टार ने, सात पेच काट दिए सेवन स्टार ने और एससी ने काटे हैं एक पेच काटा अभी तक। और अभी सेवन स्टार लीड लिए हुए फाइनल मैच में, अभी देखते क्या होता है, पलटवार होता है फिर यहीं पे ख़त्म हो जाता है गेम सेवन स्टार का जी। बॉबी भाई हमारे अनीस भाई को बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया, सात किस्मत नहीं दिया इनका। और राउंड में भाई हमारे बाहर हुए, तीसरे राउंड में बाहर हो गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे भाई सम्मान देते हुए सैफी भाई नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल तिवारी काइट लखनऊ में। आज हमें लखनऊ के मजार ग्राउंड पर जहां पर आइडियल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित आइडियल कप का फाइनल मैच है, और जो कि फाइनल मैच हो रहा है एससी और सेवन स्टार के बीच में। और आकाश का यहां पर फैसला हो गया है, और आकाश किस रैंक पर आया? अभी तीसरा नंबर लगा, तीसरा नंबर लगा है और चौथे पर आया नया दौर। तीसरा नंबर मुझे मिला। अच्छा स्कोर क्या रहा दोनों टीमों के बीच में? धीरज के चार काटे थे और एक पेज हम लोग कटे, छह हम लोग ने काटे। अच्छा छह पेज का था ये वाला मैच। जेबू भाई पेज ऊपर से ला रहे और नीचे से ला रहे अनस, और पे लड़ता हो अनस बहुत ही तेजी बाहर की तेजी और झटकते हो। यहाँ पर जेबू ने बहुत ही तेजी से अंदर गद्दा मार के बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया ऊपर से एससी के लिए। सामने देखे पतंग उठाते हुए गोल्डी उस्ताद अपनी पतंग बना रहे हैं। गोल्डी भाई पेच किसके किसके बचे अभी? एक एक बचे हैं, एक आपका और एक जेबू भाई का है, और सलमान के पूरे हो गए। और एससी का भी दो पेज बचा है और सात काट दिए सेवन स्टार ने और एससी की टीम। जेबू भाई अपने पतंग तैयार कर रहे देखे, और आज ही बहुत ही गजब का मैच हुआ है जिसमें एससी आज लीड की बजाय जनरा फैल गए और जेबू भाई पतंग बना रहे देखे। और ये रहे एससी के सपोर्टर और मेरे दोस्त कलीग के मजार ग्राउंड पर जहां पर फाइनल खेला जा रहा है आइडियल कप का। और हम आपसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि आज हम मैदान देरी से पहुंचे क्योंकि एक अर्जेंट काम था जिसकी वजह से मुझे हरदोई जाना पड़ा और मैं अभी अभी आया हूं मैदान 4 बजे, तो डायरेक्ट मैं मैदान ही आ गया आप सभी के लिए। जिससे कोशिश हमारी है कि आपको पूरी वीडियो तो नहीं लेकिन एंड आपको दिखाया जा सके इस टूर्नामेंट का, और जो भी गलती क्षमा चाहूँगा आप सभी से। और आज यहाँ पर सीनियर का भी टूर्नामेंट चल रहा है 50 ईयर ओल्ड, और अभी उसका स्कोर अपडेट अभी बताऊँगा पता करके जो भी है। और वीडियो में बने रहे हमारे एससी के लिए हमारे जेबू भाई तैयारी ले ली नहीं है, ऊपर से पेल लाएंगे और सेवन स्टार के लिए लाएंगे शायद इमरान पेच। और स्कोर है दोनों टीमों के बीच में अभी 7-2 का, ये फाइनल मैच हो रहा है दोनों टीमों के बीच में। इमरान नीचे से लड़ाएंगे सेवन स्टार लिए तैयारी लेते हुए, ऊपर से ला रहे हैं हमारे जेबू भाई एससी के लिए। और सामने पेच लड़ता हुआ मुड्ढा रखते हुए खिलाड़ी जेबू, ऊपर से मुड्ढा रखते हुए बाहर के चक्कर देते हुए सामने पेड़ के ऊपर पेच होता हुआ और अंदर के बल देते हुए यहाँ पर, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पर जेबू भाई ने एससी के लिए। और स्कोर हो गया दोनों टीमों के बीच में 7-3 का। चच्चा हमारे लालबाग वाले हैं, ये हबीब चच्चा के नाम से फेमस हिंदुस्तान में है। और आज सीनियर का टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें सेमीफाइनल खेल रहे चच्चा भी। पहला काट दिया दूसरा राउंड चल रहा है अभी, और देखते हैं चच्चा पेच काट पाते हैं कट जाते हैं। और चच्चा उम्र कितनी होगी अपनी? अरे वो तो है लगभग, कितनी हो सकती है? करीब 60 करीब है। और देखते हैं आज तजुर्बा देखते हैं क्या दिखाते हैं जलवा अपना 60 की उम्र में भी। और पहला पेज तो काट दिया नहीं, और दूसरा लड़ाएंगे देखते हैं। सीनियर सिटीजन का ये
सेकेंड राउंड का गेम होता हुआ यहाँ पर गुड्डे भाई पे लड़ा रहे ऊपर से सामने देखेगा और नीचे से लड़ा रहे पेच अपने हबीब चचा। तैयारी लेते हुए पेच सही सीटी बच चुकी है, हबीब चचा डोर पे गेम होता हुआ और डोर बहुत ही तेज़ी से पेच कट गया। यासिर भाई अपनी तैयारी लेते हुए पेच की नीचे से पेच लड़ाएंगे सेवन स्टार के लिए और ऊपर से लड़ाएंगे हमारे जेबू भाई और स्कोर अभी चल रहा है दोनों टीमों के बीच में 7-3 का और खिलाड़ी तैयारी लेता हुआ अपनी और सामने पेच लड़ता हुआ पेच सही की सीटी बच चुकी है ऊपर से लड़ा रहे जेबू भाई और नीचे से सेवन स्टार और सामने पेच लड़ता हुआ स्कोर है 7-3 का। जेबू भाई ऊपर से मुठ्ठा रखते हुए हल्के हाथों से अंदर आते हुए छड़के थपकी देते अंदर बाहर करते हुए सेवन स्टार के लिए प्लेयर पेच सामने लड़ता हुआ फाइनल का गेम है। जेबू भाई अंदर पतंग उतारते हुए अपनी जीघा बनाते हुए बाहर का तेज़ी से मुठ्ठा लेके जाते हुए सामने और यहाँ पे एक डाल बहुत ही ज़बरदस्त गद्दा मार के जेबू ने पेच काट दिया और स्कोर हो गया दोनों टीमों के बीच में 7-4 का। पतंग फाइनल की तैयार होते हुए और अनस कौन लड़ाएगा पेच याला अनस पेच लड़ाएंगे ये और स्कोर अभी 4-7 का चल रहा है एससी और सेवन स्टार के बीच में। पता नहीं देखिए छोड़ के जाता है खिलाड़ी अपनी हमारे सालम भाई की टीम है सेवन स्टार और एससी के सपोर्ट में भी बहुत से लोग हैं देखिए सामने और आज सीनियर सिटीजन का भी गेम हो रहा है यहाँ पर देखिए सेमीफाइनल का गेम है आसिफ भाई से और अफसर भाई से और आसिफ भाई अपनी पतंग छोड़ के जाते हैं डोर पे चेक करते हुए देखिए और हमारे आसू भाई कमेटी के सिक्योरिटी आसू भाई आसिफ भाई का आधार कार्ड चेक किए नहीं एज लगती नहीं 50+ नहीं है है आधार कार्ड देख के जो है टूर्नामेंट कराएगा। अच्छा भाई हमको लग रहा है कि 50 है नहीं और 51 है 51 है 50.6 आसिफ भाई सेमीफाइनल लड़ा रहे हैं देखिए और हो सकता है देखो फाइनल लड़ाएंगे या फिर यहीं से फैसला हो जाएगा और तैयारी ले चुके हैं और हमारे सतीश भाई जो ये टूर्नामेंट करा रहे सीनियर सिटीजन वाला अम्मा समिति की द्वारा हो रहा है ये तो बार पेच बराबर हो गया है और तिवारा पेच होगा यहाँ पर ये सेमीफाइनल का गेम और नीचे से रहे आयशा खिलाड़ी और ऊपर से हैं आसिफ भाई। सेमीफाइनल पेच सीनियर सिटीजन ऊपर से लड़ा रहे आसिफ भाई आसिफ भाई मुड्ढा बाहर कर लेके जाते हो तेजी से और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गद्दा मार दिया और यहाँ पे पेच आयशा ने काट दिया पर और आयशा के लिए अफसर भाई पहुँच गए फाइनल में और आसिफ भाई हमारे पेच कट गए यहाँ पर सेमीफाइनल का और जल्दबाजी करने की वजह से पेच कट गए यहाँ पर। ये रहे आकाश टीम के मेंबर और ये हमारे सदब भाई आज कप उठाने आए तीसरी रैंक आई है टीम की और भारी बहुत है देखो कितने लोग लेके आए हैं पीछे देखो मिराज भी आए हुए हैं आज आदिल भी आया हुआ है और सभी लोग आए देखो कप उठाने के लिए तीसरी रैंक का। कैसा लग रहा है आपको इस जीत का सिर्फ मुस्कुराएंगे बताएंगे नहीं कुछ सम्मानित करते हुए अवार्ड मिलता हुआ और सेमीफाइनल आसिफ भाई पेच कट गए बस जैबू भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त पेच काट दिया था ऊपर से गद्दा मार करके और एक फंसा काटा था और दूसरा गद्दा मार के काट दिया और अब पेच पे लड़ा रहे और एससी और सेवन स्टार के बीच में स्कोर है अभी 7-4 का और देखते हैं क्या करते हैं इस बार फिर खिलाड़ी अपनी जीघा बनाता सामने देखे क्रिज बनाते हुए सेवन स्टार के लिए। अरे भाई झंडा दिखाते हुए हरी झंडी दिखा दी और खिलाड़ी तैयारी लेते हुए यहाँ पर अनस भाई पेड़ लड़ाएंगे नीचे से सेवन स्टार के लिए और सामने पेड़ लड़ता हुआ फिर सीटी बच चुकी है सामने पेड़ लड़ता हुआ और नीचे से सेवन स्टार के लिए अनस और ऊपर से पेड़ लड़ा रहे जेबू भाई और सामने पेड़ लड़ता हुआ जेबू भाई ने यहाँ पर बहुत ही तेज़ी अंदर
गद्दा मार के झटक के बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पर एएससी के लिए, और स्कोर हो गया दोनों टीमों के बीच में 5-7 का। जब सुबह गेम शुरू हुआ फाइनल का मैच एएससी और सेवन स्टार के बीच में, और ऐसा लग रहा था कि सेवन स्टार ने 7 पेच काट दिया और एएससी ने काटे थे 1। और यहाँ पे अब जेबू भाई ने 4 गद्दे जो ज़बरदस्त मार दिए ऊपर से पेच के, और अब स्कोर हो गया है 5-7 का। और अब गेम में कुछ एएससी ने अपना पावर दिखाया है, और देखते हैं अब आगे गेम बना पाते हैं अपना या फिर क्या होगा। और बने रहिए चैनल पर, पूरा मैच देखिएगा फाइनल। और एएससी में देखिए जान आ गई टीम में, और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्काना छा गई, देखिए हंसते हुए चेहरे, और सब फ़ोन पर रिपोर्टिंग देते हुए कि हाँ एएससी का क्या स्कोर है। काफ़ी लोग फ़ोन आ रहे हैं, देखें फाइनल मैच देखने के लिए, देखें काफ़ी दर्शक आए हुए हैं इस ग्राउंड पर बहुत ही, और सीनियर का भी मैच हो रहा, देखिए गेम चलता हुआ यहाँ पर, सभी लोग बैठे हैं, राजा भाई हमारे बैठे हुए देखिए साथ में। राजा भाई आज तो गेम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, थोड़ा सा माइंड, और क्या लगता है कौन जीतेगा फाइनल? इसका कुछ कहा नहीं सकते। और अभी स्कोर क्या चल रहा है वैसे? हमारे 7 काटे हैं और 5 कट चुके हैं, और अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, और गेम चल रहा है। इमरान भाई पेज लड़ाएंगे सेवन स्टार के लिए नीचे से पेच, और ऊपर से लड़ाएंगे जेबू भाई, और स्कोर है 7-5 का दोनों टीमों के बीच में फाइनल मैच। और तैयारी लेते हुए दोनों खिलाड़ी और पेस सामने लड़ता हुआ, जेबू भाई ऊपर से मुड्ढा रखते हुए, इमरान मुड्ढा नीचे लेके जाते हैं बाहर का, जेबू अंदर की पतंग उतारते हैं, यहाँ पर जिगा बनाते हैं, पतंग चलाते हैं, थप्पी देते हुए इमरान पतंग बाहर की तीर लेके आते हुए, और जेबू मुड्ढा रखते हुए सामने गेम होता हुआ देखे, और यहाँ पर कैची पे डोर पर गेम होता हुआ भारी पतंग 2, और यहाँ पर इमरान ने बहुत ही ज़बरदस्त पेच काट दिया यहाँ पर 7 स्टार के लिए, और एएससी के लिए गोल्डी उस्ताद पतंग उड़ा के जा रहे देखे सामने, और पे लड़ाएंगे ऊपर से गोल्डी उस्ताद, और 7 स्टार के लिए पे लड़ाएंगे इमरान भाई नीचे से। फाइनल मैच एक पेच काट देते तो यहाँ पे 7 स्टार फाइनल विन कर जाएगा और एएससी सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। गहमा गहमी होती हुई यहाँ पर फाइनल मैच में, और अनस सलमान और राजा भाई, और गेम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा, तगड़ा गेम हो रहा फाइनल मैच। तब तक तैयार कर रहे देखे मैदान में ये भी खेलते हुए, जो देखे ग्राउंड में ये भी फाइनल का आनंद ले रहे आज। हमारे गोल्डी उस्ताद पेच की तैयारी लेते हुए पेच ऊपर से लड़ाएंगे, और नीचे से लड़ाएंगे 7 स्टार के लिए इमरान। इमरान तैयारी लेते हुए पेच की नीचे से, ऊपर से गोल्डी उस्ताद, और सबकी धड़कनें बहुत ही तेज़ चल रही हैं यहाँ पर। अगर एएससी यहाँ पर पेच कट जाता है तो मैच हार जाएगा फाइनल, और 7 स्टार काट देता तो विन कर जाएगा ये आइडियल कप। और सामने पेच लड़ता हुआ, नीचे से हैं इमरान ऊपर से हैं गोल्डी उस्ताद, पेच सही की आवाज़ लग चुकी है, सामने पेच लड़ता हुआ गोल्डी उस्ताद ऊपर से मुड्ढा रखते हुए जिगा एक डाल बनाते हुए जिगा, इमरान मुड्ढा बाहर का तेजी लेके जाते हो, यहाँ पे गोल्डी उस्ताद अंदर झटकते हो, यहाँ पे डोर पे गेम होता हुआ, और यहाँ पे पेच यहाँ पे गोल्डी उस्ताद ने काट दिया। फाइनल होने जा रहा सीनियर सिटीजन का, और गुड्डे भाई पे लड़ाएंगे ऊपर से, और आसिफ भाई बताते हुए कैसे पे लड़ाना है कुछ जानकारी देते हुए फाइनल विन के लिए, और नीचे से लड़ाएंगे देखते हैं अफसर भाई शायद आयशा के लिए। अफसर भाई मिट्टी लगाते हुए पतंग हाथ की ग्रिपिंग बनाते हुए देखे, और फाइनल यहाँ पर लड़ता हुआ आयशा के लिए, और ऊपर से गुड्डे भाई 50+ का फाइनल अफसर भाई और गुड्डे के बीच में होता हुआ, और सामने पेल लड़ता हुआ देखिए, जो
काटेगा वो जीतेगा फाइनल। अस्सर भाई पतंग अपनी ऊंची करते हुए जिगा बनाते हुए तेज़ी चढ़ के जाते हुए ऊपर से, गुड्डे भाई तेज़ी झोल अपना बाहर का लेके जाते हैं, मुड्ढा रखते हो यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बाहर बना गया। और यहाँ पर ज़बरदस्त पेच काट दिया यहाँ पर अफसर भाई ने, और बहुत ही बेहतरीन पेच काट के यहाँ पर अफसर भाई ने ऐसा के लिए फाइनल 50 ईयर का विन कर लिया। और बधाई देते हैं यहाँ पर अफसर भाई को। अफसर भाई ने बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया और यहाँ पे फाइनल आयशा क्लब विन कर गया यहाँ पे 50+ का किताब जीत लिया यहाँ पर। गोल्डी उस्ताद ने ऐसे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पेच काट दिया ऊपर से गद्दा मार के, और एक बार फिर तैयारी ही लेंगे और पेच ऊपर से ही लड़ाएंगे, अनस पेच लड़ाएंगे नीचे से 7 स्टार के लिए। 6-8 का स्कोर चल रहा है अभी, 8 काटे हैं 7 स्टार ने और 6 काटे हैं ASC ने। और अगर यहाँ पर ये पेच काट देते हैं 7 स्टार के लिए तो ये टूर्नामेंट विन कर जाएंगे। पेच सामने लड़ता हुआ, पेच सही की सीटी बच चुकी है, नीचे से लड़ा रहे हैं ना, ऊपर से लड़ा रहे गोल्डी उस्ताद। गेम बहुत ही खतरनाक हो रहा है यहाँ पर, देखिए फाइनल मैच अगर यहाँ पर गोल्डी उस्ताद पेच कट जाते हैं तो ये टूर्नामेंट हार जाएंगे और 7 स्टार टूर्नामेंट का चैम्पियन बन जाएगा। अनस अंदर जाते हुए तेज़ी से गोल्डी उस्ताद मुड्ढा रखता है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त पेच काट दिया गोल्डी उस्ताद ने ऊपर से, और स्कोर हो गया 7-8 का और तालियां बजती हुई सामने, बहुत ही ज़बरदस्त पेच काट दिया। यासिर भाई पेच की तैयारी कर रहे हैं, नीचे से पेच लड़ाएंगे 7 स्टार के लिए और ऊपर से लड़ाएंगे गोल्डी उस्ताद। गोल्डी उस्ताद ने बहुत ही ज़बरदस्त पेच काट दिया ऊपर से और गेम हो गया दोनों टीमों के बीच में फाइनल का स्कोर 7-8 का। अब देखते हैं क्या होता है फाइनल। पेच सही की सीटी बच चुकी है, गोल्डी उस्ताद लड़ा रहे पेच ऊपर से, यहाँ से लड़ा रहे हैं 7 स्टार के लिए नीचे से, सामने पेच लड़ता हुआ गोल्डी उस्ताद ऊपर चढ़ के आते हुए मुड्ढा हल्के हाथों से रखते हुए पतंग चलाते हुए अपनी, और यासिर अपनी पतंग ऊँची करते हुए। गेम फाइनल है और हाई वोल्टेज गेम जिसकी धड़कनें कंट्रोल में रहेंगी वही जीतेगा ये फाइनल मैच, और जिसकी धड़कनें तेज रहेंगी उसके साथ आप समझ सकते क्या होगा। गोल्डी उस्ताद अपनी चाल चलते हुए, गोल्डी उस्ताद एक बार मुठ्ठा रखते हुए बाहर ले गया, फिर एक पतंग ऊंची कर ली अपनी। बहुत ही जबरदस्त गेम है, हाई वोल्टेज गेम, सभी की निगाहें इस पेच पर हैं। गोल्डी उस्ताद बाहर गया और यहाँ पे गोल्डी उस्ताद ने अंदर की तेज, और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया और यहाँ पर 7 स्टार चैंपियन बन गया। और यासिर को खिलाड़ियों ने उठा लिया, देखिए बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया, और यहाँ पर देखिए सालम भाई बधाई देते हुए, और यहाँ पर 7 स्टार चैंपियन बन गया। सजदा कर रहे हैं सालम भाई, सामने से हटो, सामने से हटो, और बहुत ही बेहतरीन इमोशनल हो रहे, खुशी के आंसू हैं सालम भाई के इस जीत के। ASC बाहर हो गया इस टूर्नामेंट को, हार गया, और सालम भाई 7 स्टार विन कर गए यहाँ पर, खुशी के आंसू देखे, और झंडे लहराते हुए यहाँ पर इस जीत की खुशी जश्न मनाते हुए सालम भाई आते हुए, और बहुत ही जबरदस्त पेच काट दिया यहाँ पर यासिर को उठाते हुए खिलाड़ी। और आइडियल कप का फाइनल और फैसला हो चुका है चैंपियन का, आइडियल कप का, और इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो गई। मुबारकबाद देते हुए यहाँ पर सालम भाई को, धीरज भाई आकाश के, न
मुबारकबाद की झड़ी लगती है यहाँ पर। जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी शालम भाई, बहुत 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 पिच काट दिया। और शालम भाई चैंपियन बन गए लखनऊ के, फटाफट टूर्नामेंट की समाप्ति करेंगे अब हम लोग। शेखर भाई चौथे नंबर पर रहे, शेखर भाई रहे, फोर्थ पोजीशन पे शेखर भाई आए हैं। फोर्थ पोजीशन का शेखर भाई को मिलता है मोमेंट को, बधाई, बहुत बहुत बधाई, ताली बजा दो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसिफ भाई आ चुके हैं और थर्ड प्राइज आसिफ भाई को मिलता हुआ यहाँ पर। आगा उस्ताद जी देते हुए यहाँ पर मिंटू सीनियर सिटीजन में सम्मानित करते हुए, आइए इक्कीस सौ रुपए इनाम सेकंड प्राइज है गुड्डे भाई, गुड्डे सर को बुला, गुड्डे भाई आ गए हैं, देखिए गुड्डे भाई को सम्मानित करते हुए यहाँ पर प्राइज दिया जा रहा है 2100 रुपए पहली रैंक का इनाम अनीस भाई की टीम, अनीस भाई आयशा का सर भाई जिन्होंने बहुत बेहतरीन पेच काटे हैं। ग्राउंड में आतिशबाजी होते हुए 3100 रुपए पहला इनाम अक्सर भाई का। दौड़ को बहुत बहुत बधाई, फोर्थ प्राइज मिलता है यहाँ पर आकाश के लिए, शाहरुख आ गए देखो, थर्ड प्राइज मिलता है यहाँ पर विद मोमेंटो के साथ में। ये देखिए धीरज आ गए, धीरज भाई भी आ गए हमारे, ये देखिए आकाश का एक क्लब, और धीरज भाई फोर्थ पोजीशन का अवार्ड मिलता हुआ यहाँ पर, माला पहनाते सम्मानित करते खिलाड़ियों को। थर्ड प्राइज मिलता हुआ यहाँ पर आकाश का एक क्लब, और एक बैग है पतंग का बैग, कपूर काइट सेंटर की तरफ से पतंग का बैग मिला है 15,000 रुपए नगद इनाम है। जयबू भाई आ गए यहाँ पर और सालम भाई को बधाई देते हुए चैंपियन बनने के लिए, और सेकंड रैंक रही है यहाँ पर, सम्मानित करते हमारे आशु भाई यहाँ पर, जयबू भाई को सम्मान साथ कहा है हमारे हिंदुस्तान हिंदुस्तान जी आ गए, माला पहनाते देखिए बहुत जबरदस्त, जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ पर दूसरी रैंक आई यहाँ पर एससी की, और बहुत ही बेहतरीन गेम हो यहाँ पर देखिए, और 25,000 रुपए का नगद इनाम है, सेकंड प्राइज है 25,000 रुपए सेकंड प्राइज। और यहाँ पे जयबू भाई को देखिए, जयबू भाई कैश कलेक्ट कर पूर कार्ड सेंटर की तरफ से एक सेकंड प्राइज पे भाई के लिए सलमान का टून, सलमान भाई के लिए सलमान भाई का टून ले रहे हैं, सेवन स्टार चैंपियन, और चैंपियन के लिए कब आ चुका है देखिए, सेवन स्टार जीत कर पहली रैंक हमारे
चैंपियन कैप्टन कैप्टन सालम भाई हमारे जो कि टूर्नामेंट करा रहे भाई कैप्टन है और रैंक का 35,000 रुपए का इनाम फर्स्ट प्राइज मिला है। पहला रैंक का पहला इनाम सालम भाई लेते हुए यहाँ पर हमारे कमेटी की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और जीत के जश्न में यहाँ पे आतिशबाजी होती है इस फाइनल मैच में। देखिए और उस्ताद क्या तो सालम भाई पहला प्राइज लेते हैं यहाँ पर और आइडल सतीश भाई हमारे मेडल देते हैं यहाँ पर। उस्ताद को दिया जा रहा है देखे सरवर जमाल उस्ताद और कुछ नगद पुरस्कार भी है। तौसीफ भाई को सम्मानित करते हैं यहाँ पर और हमारा अपना सैयद साहब मोमेंटो दिया गया मोमेंटो देखे सम्मानित करते हैं यहाँ पर सैयद भाई सैयद भाई को इरफान भाई के लिए और क्या मैं इरफान भाई के लिए कुछ कैश है कैश भी है बहुत बढ़िया राजेश भाई इनको सम्मान राजेश भाई सम्मान विराज भाई खास आदमी है देखिए ऐसा आदमी और ढूंढने के लिए मिलेगा और इसने इतनी मदद की हम लोगों की इतनी मदद की जो मतलब कहे तो कम है वो बहुत मेहनत करता है पहला आदमी इसका यही है। मिराज भाई को सम्मान मिराज भाई को देखिए कुछ कैश दिया सालम भाई और कुछ नगद पुरस्कार बेस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट के ट्रॉफी मिलती है यहाँ पर तालियां नगद इनाम भी मिलता हुआ स्टार के स्टार प्लेयर 5100 रुपए का नगद पुरस्कार मिलता हुआ उसको बहुत बेहतरीन पेज क्वार्टर फाइनल एक पता से 10 पेज राजा भाई को इनाम मिल गया राजा भाई को मोमेंटो इनाम मिलता भाई को गिफ्ट मिलता हुआ और यहाँ पर पतंग मिलते हुआ कपूर स्काई सेंटर की तरफ से और ये हमारे भाई सोनू भाई ने बहुत मेहनत की बहुत ही सिग्नल दिए अच्छे भाई हमारे आंसू भाई पहनाते हुए और सम्मानित करते हुए बहुत जबरदस्त आगा उस्ताद जी मोमेंटो और जी 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 एक मोमेंटो हमारे आंसू भाई देते हुए स्पेशल उस्तादों के लिए है और इनकी सरपरस्ती में हम लोग माशाल्लाह से जी और जो ये हम लोग लिए अच्छा सोचते हैं हम लोगों को फोन पर बताते रहते हैं ऐसा करो बेटा ऐसा करो हम लोग इनको फॉलो करते हैं जी पूरी गाइडलाइन पे उस्ताद को सम्मानित किया गया सालम भाई ने कराया जी जी फाइनल का इनाम भी बंट गया जी 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 और जीती है उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश करके अच्छा लड़ाया जी बहुत अच्छा मैच जीता जी हां और आपको एक बात बता दें जो 2025 वाला टूर्नामेंट इंडिया है माशाल्लाह भाई करवा रहे हैं उसमें भी हमारे उस्ताद जुड़े रहे उस्ताद रहेंगे और उस्ताद की ही सरपरस्ती में होगा इंशाल्लाह जी जी बिल्कुल ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट 2025 और माँ अम्बे समिति की तरफ से सम्मानित करते हुए हमारे आशु भाई को सम्मानित करते हुए देखिए आशु भाई को सम्मानित करते हुए हमारे आगा उस्ताद आगा उस्ताद जी हमारे सालम भाई को सम्मानित करते हुए यहाँ पर उस्ताद जी मोमेंटो देते हुए उस्ताद आगा जी मोमेंटो को डालते और माला के साथ सम्मान होता है सतीश भाई के हमारे मामले समिति के सतीश भाई को सम्मान और मोमेंटो मिलता है यहाँ पर।